नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कोई ना कोई समस्या लिखते हैं। दीदी, मैं बहुत गरीब हूँ, धन नहीं आ पा रहा है। कुछ भाई मेरे लिखते हैं कि विवाह अटकी पड़ी है मेरी, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, मेरी उम्र निकल रही है, मेरी शादी नहीं हो पा रही। कोई लिखते हैं मुझे मेरा सच्चा जीवन साथी चाहिए, मैं किसी से प्रेम करता हूँ और वो मेरे पास नहीं है, काफ़ी दूर है या रूठ गया है। कोई रोजगार संबंधी समस्या लिखता है तो कोई नौकरी संबंधी। मेरी काफ़ी बहनों ने लिखी है कि उसे शारीरिक कष्ट सता रहा है, पीरियड्स आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं। कुछ मेरे दुकानदार भाई लिखते हैं कि उनकी दुकान नहीं चलती, तो वहीं कुछ लोग इन दिनों ज़्यादा लिख रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं परंतु उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कोई घर में गला क्लेश है तो कई मेरी बहनें लिख रही हैं कि पति से उनकी बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, बात बनाने जाती हूँ और बात बिगड़ जाती है। वहीं कुछ माएँ परेशान हैं कि उनके बच्चे उनका कहना ही नहीं मानते, बिल्कुल हाथ से निकले जा रहे हैं। अर्थात आज मैं एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत समस्याओं की बात कर रही हूँ। यदि आपके घर में भी आपके अलावा और सदस्य भी कई समस्याओं से परेशान है या आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया है, धन नहीं आ रहा, कलह हो रहे हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं आपके घर में, दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तब आज का पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। आज नमक का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जो श्रावण माह में यदि आप कर लेते हैं तो इसी सावन आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। यदि कर्ज में डूबे हैं आप, कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है तो कर्ज चुका पाएंगे। यदि आपसे किसी ने रुपया उधार लिया है और बिल्कुल मुकर गया है, देने का नाम नहीं ले रहा, तो वो सामने से आएगा हाथ जोड़कर आपको आपका लिया धन वापस देकर जाएगा। क्या धन, क्या गाड़ी, क्या बंगला, क्या प्यार, क्या शादी, क्या ऐश्वर्य, दूर दूर तक नाम फैलेगा आपका। नौकरी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वह दूर हो जाएगी। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका बॉस बिल्कुल खुश नहीं है आपके काम से और उसी की वजह से आपको डर लगा रहता है कि कभी भी मेरी नौकरी जा सकती है, तब भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह वीडियो आपके लिए। आज मिला जुला कर हर समस्या का एक समाधान कहते हैं ना, आज नमक का वह प्रयोग बताने जा रही हूँ। वैसे भी नमक चीज़ ऐसी है कि हमारे आधे दुख तो नमक से वैसे भी दूर हो जाते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए देखिए, समझिए और इसी सावन कीजिए नमक का यह अद्भुत प्रयोग और अपनों को, अपने घर को और खुद को हर समस्या से मुक्त कीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यदि किसी बीमारी ने लंबे समय से आपको घेर रखा है, आप चलने फिरने तक में असमर्थ हो रहे हैं और आपकी इस बीमारी के पीछे काफ़ी धन खत्म हो गया है, यहाँ तक कि घर के जेवर तक बेचने पड़ गए हो, घर का सामान तक बेचना पड़ गया हो, दुर्गति यदि यहाँ तक भी हो गई हो, तब भी यह प्रयोग दिव्य चमत्कार आपको दिखाएगा। यदि आपके बच्चे नालायक निकल गए हैं, आपके मेहनत के कमाए गए धन को पानी की तरह बहा रहे हैं, गलत रास्ते में उतर गए हैं, तब भी यह कार्य माता या पिता दोनों में से कोई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर इस उपाय को करिए। सावन के किसी भी मंगलवार को बिना कुछ खाए स्नान करके आप अपनी दोनों हाथ को जोड़कर, कर को जोड़कर उसमें एक बड़ा मुट्ठी नमक का भर लें। यानी एक मुट्ठी नमक नहीं, दोनों हाथ से उठाए नमक को, नमक को काट के आप किसी बड़े थाली में रख लें, बड़े प्लेट में रख लें और वहाँ से आप एक मुट्ठी भर के नमक उठाएं। उसके बाद ऊपर से और नमक ना डालें और ना ही उठाए गए नमक को आप कम करें, तो आप इतना ही सहज उठाएं जो आपके हाथ में अच्छे से ठहर सके। आप अपने घर के मध्य स्थान पर खड़े हो जाएं, यानी आंख ले कि आपके पूरे घर का बीचों बीच का भाग कौन सा है,
वो आपका लिविंग हॉल हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, कहीं पर भी जहाँ लगभग लगभग बिल्कुल आपको मापना नहीं है पर लगभग एक बीच का केंद्र जो होता है वहाँ खड़े हो जाएं और पूरब की दिशा की ओर चेहरा कर लें। अब आप आंखें बंद करके सर्वप्रथम अपने इष्ट को याद करें। आपके इष्ट जो भी हैं, शिवजी हैं तो शिवजी को याद करें, बेहतर होगा आप हनुमान जी को याद करें। आप इस वक्त हनुमान जी की बहुत गहरी अनुभूति लें, ऐसा हृदय से विश्वास रखें कि आज जो आप करने जा रहे हैं यह हर हाल में पूर्ण होगी ही होगी। उसके बाद आप नमक को बहुत ध्यान से देखें, आपके हाथ में जो नमक है उसको इतने ध्यान से देखें कि आसपास की रखी जो भी कुर्सी टेबल चीज़ें आपके घर में हो वह आपको दिखाई देना बंद हो जाए। आपकी दृष्टि इतनी केंद्रित हो जाए नमक पर कि मानो मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा हो और ना कुछ सुनाई दे रहा हो। आप इस अवस्था में पहले खुद को लाएं। उसके बाद नमक को देखते हुए अपनी संपूर्ण समस्या को सोच लें। लोन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, बेटी का ब्याह रुका है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर में कलह, जो भी समस्या है आप अपनी एक समस्या को बहुत अच्छे से सोच लें। नमक को याद देख कर इतने अच्छे से सोच लें कि मानो वो समस्या कागज़ में लिखी हुई हो, जैसे नमक में लिखी हुई हो। नमक में देखकर आपको अपनी इस समस्या को बहुत गहरी अनुभूति लेनी है। उसके बाद हनुमान जी को आपको याद करना है और इस मंत्र को, ये जो लाइन मैं आपको चौपाई बता रही हूँ, इस चौपाई को 11 बार नमक को देखते हुए बोलें। आपको कहना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यह एक ऐसा श्लोक है जिसे सुनकर हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें हर हाल में आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, वह ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। आपको 11 बार इस श्लोक को बोलना है। प्रथम नमक को देखकर अपनी संपूर्ण समस्या बोलनी है, उसके बाद हनुमान जी की इस चौपाई को 11 बार लगातार बोलना है। उस क्षण मन में दो ही चीज़ें, संपूर्ण आपकी समस्या और हनुमान जी, सावन का मंगलवार, कोई भी मंगलवार। उसके बाद आप तुरंत बिना चप्पल पहने, पैर में चप्पल ना पहने, और तुरंत घर से बाहर जाएं। अपने घर में इस नमक का एक दाना भी ना गिरे। आप घर से बाहर जाएं, संभव हो तो कोई भी झाड़ जहां कांटेदार झाड़ी हो, और संभव ना हो तो कोई गंदी जगह जहां कूड़े फेंके जाते हों। आपको इस नमक को जाकर फेंक देना है, अर्पण नहीं करना है। अर्पण करने और फेंकने में अंतर है। अर्पण हम बहुत सम्मान के साथ करते हैं, जैसे जल अर्पण करते हैं, आपको इस नमक को फेंक देना है। बिल्कुल फेंक दीजिए, हाथ झाड़ लीजिए और विपरीत मुड़कर अपने घर आ जाएं। मित्रों, सावन में केवल 3 बार करें यह प्रयोग। यदि यह प्रयोग करते करते सावन खत्म हो जाता है तो एक भी मंगलवार सावन का अवश्य हो, क्योंकि कोई भी कार्य सावन और कार्तिक में 4 गुना तेजी से सिद्ध होता है। केवल 3 बार करते करते यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। आप अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। परमात्मा पर आस्था रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।